आप सभी भाई बहनों को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, ये तीन कार्य कर लीजिए और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। याद रखें, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का व्हाट्सअप नंबर 9721413385 है। आप सभी भाई बहनों को मैं इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो भी महत्वपूर्ण अपडेट्स आप सभी लोगों को दी जाती हैं वो पूरी तरीके से रियल होती है और ऑथेंटिक होती हैं। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिए और चैनल को जब सब्सक्राइब करिएगा तो उसमें बेल आइकन आएगा ना, उसको जो है मतलब दबा दीजिएगा, ठीक है, और आल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, तभी नोटिफिकेशन मिलता है। चलिए, जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं वो बेल आइकन को नहीं प्रेस करते, ठीक है, तो उनको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता तो वो चैनल की वीडियो देख नहीं पाते, फिर वो व्हाट्सएप पे उधम मचाते हैं कि सर आप वीडियो नहीं डालते हो। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जब सब्सक्राइब का बटन दबाइए, उसके बगल में ही पड़ोसी की तरह एक घंटी का चिन्ह बना रहता है, उसको भी दबा दिया करिए, ठीक है। तो आपके सामने तीन टनु ऑप्शन खुल करके आ जाएगा, उसमें ऊपर सबसे रहता ए डबल एल आल, उसको भी चेप दीजिए। जब चेप देंगे तो जाहिर सी बात है एकदम टनाटन मामला फिट हो जाएगा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। खबरों की श्रृंखला में काफ़ी सारे लोग इस समय निगेटिव हो गए, एकदम डाउन हो गए हैं। क्यों? क्योंकि भैया निकाय चुनावों की अधिसूचना, अरे वो तो जारी होनी ही थी। निकाय चुनावों की अधिसूचना क्या आज की पेंडिंग है? आज के लगभग 100 वीडियो पहले ही हम बता दिए थे कि भैया अप्रैल में जो है मतलब इसकी अधिसूचना जारी होगी। तो निकाय चुनाव ऐसा नहीं है कि मतलब अब पूरी प्रक्रिया ही ठप पड़ जाएगी। बहुत सारे लोगों का कहना है कि विद्यार्थी इससे प्रभावित होंगे, अब कोई नई जो वैकेंसी आनी है वो नहीं आएंगी जब तक आचार संहिता लागू होगी। ये पूरी तरीके से राज्य निर्वाचन आयोग का विषय है, ठीक, पहली चीज। दूसरा ये है कि जितने भर्ती संस्थान हैं वो सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन जारी कर सकते हैं, परिणाम नहीं, ठीक है ना, विज्ञापन जारी कर सकते हैं, परिणाम नहीं। परिणाम आप सभी लोगों के जो पेंडिंग में थे, अब आप कहेंगे कि यूपीटी पैलेसी से जो परिणाम आने, क्या वो नहीं आएंगे? राज्य सरकार, आप जानते हैं कि जो परीक्षाएँ पहले हो चुकी हैं उनका परिणाम भी राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमति लेने के बाद उसको जारी किया जा सकता है। याद करिए 2010 में जब मायावती की गवर्नमेंट थी उस समय टीजीटी पीजीटी का एक विज्ञापन आया था, उस समय भी निकाय चुनावों की अधिसूचना लागू हो चुकी थी, जारी हो चुकी थी और प्रदेश में आचार संहिता थी, ठीक है ना, फिर भी विज्ञापन जारी हो गया था। क्यों? क्योंकि इसका उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, स्थानीय चुनाव है ये, कोई कंट्री लेवल पे थोड़ी ना चुनाव हो रहा है, तो इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि कोई विज्ञापन नया नहीं आएगा, आचार संहिता हटने के बाद ही कोई प्रक्रिया शुरू होगी या नया चयन आयोग आप सभी लोगों का नहीं बनेगा, नया आयोग बनने के लिए भी चुनावी प्रक्रिया ख़त्म होने के बाद ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ ना कि आप सभी लोगों को रियल और ऑथेंटिक अपडेट सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही मिलता है। मैं पेपर की कटिंग को पढ़ने में या फालतू की जो है मतलब चीज़ों की वीडियो बनाने में यकीन नहीं करता, ठीक है, जो हमारे पास सूचना आती है, जो अपडेट आती है, उन्हीं की अपडेट आप सभी लोगों तक प्रोवाइड की जाती है। खबरों की श्रृंखला में सर्वप्रथम शुरुआत करना चाहेंगे हम लोक सेवा आयोग से। लोक सेवा आयोग में इस समय दो वैकेंसियाँ पेंडिंग में हैं। दो वैकेंसी कौन? आपकी आरओ और खंड शिक्षा अधिकारी। आरओ में जो विवाद थे वो विवाद अब पूरी तरीके से सॉल्व हो चुके हैं और कैटेगरी वाइज जो मतलब पद आए हुए हैं, अध्याचन आया हुआ है, उन अध्याचनों को कैटेगरी वाइज, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी कुछ सचिवालय के भी पद हैं उसमें, है ना, और कुछ हाईकोर्ट के भी ओएसडी के पद हैं, मतलब आपके आरओ के पद हैं, समीक्षा अधिकारी के पद हैं, स्वयं लोक सेवा आयोग के अधिकारी का पद है जी उसमें, ठीक है ना, मतलब उसके भी आरओ का पद है, ठीक है, उस अध्याचन में। तो जाहिर सी बात है कि किस कैटेगरी में कौन कौन से पद जाएंगे, कितने कितने पद जाएंगे, कहाँ पे सामान्य वर्ग की सीटें होंगी, कहाँ पे ईडब्ल्यूएस की सीटें होंगी, कहाँ पे ओबीसी की सीटें होंगी, एससी की, एसटी की,
तमाम तरीके की जितने भी आपके आरक्षण के स्लैब बनाए गए हैं सबका जो है आवंटन किया जा रहा है। ये आवंटन की प्रक्रिया चलेगी 12 अप्रैल तक, ठीक है ना। 12 अप्रैल तक ये आवंटन की प्रक्रिया समाप्त की जाएगी, उसके बाद लोक सेवा आयोग के माध्यम से आपके विज्ञापन को जारी किया जाएगा, ठीक है। इस बार थोड़ा सा आर ओ के सिलेबस में भी आप सभी लोगों को परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि थोड़ा मातृभाषा को प्रायोरिटी देने के मूड में है आयोग, और होना भी चाहिए, क्योंकि आज के इस भाग दौड़ में अगर कोई इंसान शुद्ध हिंदी बोलता है तो लोग उसका मजाक बनाते हैं। अगर आज आप हिंदी के अंक लिख दीजिए तो लोग उसका मजाक बनाते हैं कि इसको अंग्रेजी आती ही नहीं है, है ना। अंग्रेजी एक कॉमन भाषा हो चुकी है, ये आपके स्टेटस का सिंबल नहीं हो सकता, ठीक है ना। अगर आप अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन गारंटीड आप शुद्ध हिंदी नहीं बोल सकते हो। सीधी सी चीज़ है, क्यों? क्योंकि विद्यार्थी जो शुरुआत में कख गग पढ़ते हैं ना, वो भी विद्यार्थियों को, बहुत सारे विद्यार्थियों को कख गग आज भी याद नहीं है, ठीक है ना। तो ये ऐसा नहीं कि मतलब बहुत शान की बात है कि हमने 1 2 3 4 पढ़ लिया, सीख लिया और वो चीज़ें हो गई। हम धीरे धीरे हिंदी को भूलते जा रहे हैं। आज अगर मोबाइल में 1 और 2 और 3 ऐसे बना करके दे दिया जाए तो कई लोग तो मोबाइल नंबर से फ़ोन ही नहीं कर पाएंगे। समस्या तो इसी बात की है। शुद्ध हिंदी लिख दिया जाता है शिक्षा शास्त्र जैसे विषय में, तो बहुत सारे विद्यार्थी चकरा जाते हैं कि आखिर ये अनुदेशन होता क्या है, पाठ्यचर्या होती क्या है, जब तक कि वो अंग्रेजी का स्लॉट नहीं देखते हैं कि हाँ पाठ्यचर्या मतलब करिकुलम, तब उनको समझ में आता है अच्छा ये वो चीज़ है, है ना। तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के है कि हिंदी को प्रायोरिटी दी जा रही है आर ओ की वैकेंसी में। 100 क्वेश्चन पहले आप लोगों को हिंदी मिलते थे, अब 120 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना, 120 प्रश्न मिलेंगे। तो विद्यार्थियों को तैयारी करने में और अपनी मेरिट को गेन करने में आसानी होगी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि परिवर्तन का दौर चल रहा है लोक सेवा आयोग में भी, और आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि आगामी समय में हो सकता है कि इसी वैकेंसी से आप सभी लोग जो डिस्क्रिप्टिव मेंस लिखते हैं आर ओ में, लोअर सबॉर्डिनेट में, ठीक है ना, खंड शिक्षा अधिकारी में, GIC लेक्चरर में, आप लोग डिस्क्रिप्टिव लिखते हैं ना, GIC लेक्चरर और LT ग्रेड अभी भी गुंजाइश जो बची थी इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन आप लोगों को बता दें कि इन सभी का जो आपका मेंस होना है, आयोग में चर्चा है इस बात की कि इसको OMR बेस बनाया जाए, ठीक है ना, OMR बेस बनाया जाए। जाहिर सी बात है ये विद्यार्थियों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी, पहला। दूसरा ये कि मतलब वो जैसे इंडिविजुअल पेपर नहीं होता है SSC का, रेलवे का इंडिविजुअल पेपर होता है, उसी तरीके से इंडिविजुअल पेपर आप सभी लोगों का आयोग में भी कराया जाए, ताकि किसी भी प्रकार के स्कैम आदि से बचा जा सके, ठीक है। सुधार का बयार है तो जाहिर सी बात है विद्यार्थियों को भी उससे लाभ मिलेगा और विद्यार्थी भी उससे संतुष्ट हो सकते हैं। फिलहाल ये बदलाव का बयार है, ये बदलाव हुआ नहीं है, लेकिन GIC लेक्चरर में हो चुका है, ठीक है ना। GIC लेक्चरर में अब आप लोगों को मेंस लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि चलिए आप 250 शब्दों में आंसर लिखिए, 150 में लिखिए, 25 शब्दों में लिखिए, 10 शब्दों में लिखिए, ऐसा नहीं है। अब आप लोगों को केवल OMR बेस लिखना पड़ेगा, OMR बेस पर टिक करिए, काला करिए, काम ख़त्म करिए, ठीक है ना। इससे क्या है कि संसाधनों का बचत होगा, पहला। दूसरा ये रिजल्ट आदि को जारी करने में तेज़ी आएगी, जो प्रक्रिया साल साल डेढ़ साल दो साल चलती है, एक्सपर्ट ही नहीं मिल पाते हैं तो पेपरवा जांचेंगे कहाँ से, है ना। अब जैसे UP बोर्ड की कॉपियाँ हम लोग जाँच रहे थे, हमारे उस सेंटर पर तकरीबन 70 से 80 हज़ार कॉपियाँ हैं, और जितने लोग मतलब ड्यूटी पर लगाए गए थे सरकारी अध्यापक, मैं बता दूं सिर्फ वहाँ पे 25 लोगों की ड्यूटी लगाई गई थी, सरकारी अध्यापकों में से केवल 5 सरकारी अध्यापक, मुझे लेकर के 5 सरकारी अध्यापक वहाँ पे कार्य कर रहे थे, बाकी 20 नदारद थे, 20 ने अपनी ड्यूटी कटवा ली थी। तो भैया अगर सब लोग ऐसे ही छोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है यूपी बोर्ड पेपर जो है रिजल्ट ही नहीं जारी कर पाएगा इंटर और हाई स्कूल का, जो कि मई में आने चल रहा है, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं आपके LT ग्रेड GIC प्रवक्ता को लेकर के। LT ग्रेड GIC प्रवक्ता के लिए प्रयास जो किया गया था, इस पे सचिव महोदय सहमत हुए हैं और उन्होंने शासन से अनुमति मांगने के लिए
निर्देश प्राप्त करने के लिए एल्टीग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन को जारी करने के लिए कल की डेट में शासन को एक पत्र लिखा, कल संडे था तब भी लोक सेवा आयोग के माध्यम से एक पत्र प्रेषित किया गया है और वो पत्र डायरेक्ट, ऐसा नहीं कि पत्राचार किया गया है, वो डायरेक्ट लेटर अटैचमेंट फाइल के साथ डायरेक्ट ईमेल की गई है। तो जाहिर सी बात है ईमेल की गई है तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड या 6 सेकंड में जो है प्राप्त भी हो गया होगा सीएम ऑफिस को भी और माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय को भी, ठीक है। उसमें जो राजकीय अपर सचिव महोदय हैं उन्होंने भी इस बात को जोर दे करके कहा था कि जीआईसी कॉलेज और जीजीआईसी कॉलेज की जिस प्रकार में स्थितियाँ हैं नए शैक्षिक सत्र में बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए इस पर तत्काल विज्ञापन की आवश्यकता है। तो अमूमन ये प्रयास किया जा रहा है और ये सूचना भी प्राप्त हो रही है कि आप सभी लोगों को एल्टीग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही देखने के लिए मिल सकता है, जो कि पूरी पॉसिबिलिटी बन चुकी है और सचिव महोदय ने भी इस पर स्पष्टीकरण दे दिया है अपना कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं जैसे ही शासन से अगर हमें निर्देश प्राप्त हो जाता है, क्योंकि शासन अब डिक्लेयर कर देगा कि भैया आप ही विज्ञापन जारी करोगे कि नया आयोग जारी करेगा। नया आयोग जो इसकी नियमावली बनाई जा रही है उसमें बहुत घचमच है, घचमच इसलिए है क्योंकि इतने सारे नियमावली को एक कामन नियमावली में ढालना है, कोई 1982 की नियमावली है तो कोई 1921 की नियमावली है, अंग्रेजों के समय की तो नियमावली है, तो जाहिर सी बात है उसमें संशोधन करके नई डिग्रियों को सम्मिलित करना और साथ ही साथ जो है सारी चीज़ों को एक जगह पर सजो करके विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करना और वैधानिक चुनौतियों से उसको बचाने के लिए कि किसी प्रकार के विद्यार्थियों में किसी प्रकार का मतभेद ना हो, कोई विवाद ना हो, विज्ञापन कोर्ट ना जाए या कोई नियुक्तियाँ ना फंसे, इन सारी चीज़ों को भैया माथापच्ची तो करनी पड़ेगी। माथापच्ची करने के लिए अधिकारियों की रोज़ मीटिंग होती है, रोज़ कुछ ना कुछ डिस्कशन होता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिग्रियाँ अवश्य ही जोड़ी जाती हैं, कुछ ना कुछ संशोधन रोज़ हो रहे हैं, 13-3 के नियम बदले जा रहे हैं, 13-5 के नियम बदले जा रहे हैं, है ना, राजकीय विद्यालयों की नियमावली बदली जा रही है ना, और उसमें नॉन बीएड वाले स्टूडेंट को टीजीटी की नियमावली उसमें फॉलो अप किया जा रहा है, पीजीटी में जिस तरीके से 50% का मुद्दा था उसको संशोधित किया जा रहा है, पीजीटी में बीएड की डिग्री को अनिवार्य किया जा रहा है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के विद्यार्थियों के मन में जो आशंकाएँ थी उन आशंकाओं का निवारण अब हो रहा है। इन आशंकाओं का निवारण होने में तकरीबन 1-1.5 महीने का समय तो लग ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री महोदय ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भैया आप जो है 30 अप्रैल तक हमको नियमावली बना करके बाकायदा दे दीजिए, सदस्यों के नाम फाइनल हैं, अध्यक्ष और परीक्षा नियंत्रक, सचिव, उप सचिव, जन सूचना अधिकारी, ये सभी लोग कौन कौन होंगे, इन सबके नामों पर विचार चल रहा है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है आपका आयोग तो कन्फर्म है कि 1 महीने के अंदर अस्तित्व में आ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरा ये है कि क्या 1 महीने तक एल्टीग्रेड जीआईसी प्रवक्ता लटकी रहेगी, इसके संबंध में आदरणीय सचिव महोदय से जब वार्ता की गई थी तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि शासन को जो पत्र हम लोगों ने प्रेषित किया है, कल की डेट में उन्होंने प्रेषित किया था, उसमें स्पष्ट इस बात की मांग की गई थी कि एल्टीग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन लोक सेवा आयोग से जारी करने के लिए शासन यथा निर्देश प्रदान करे। तो यथा निर्देश प्रदान करने का मतलब ही यही है कि भैया क्लोजर रिपोर्ट इन्होंने प्रेषित कर दी है कि हम इस भर्ती को मतलब पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। रही बात आपके वेटिंग लिस्ट की, तो वेटिंग लिस्ट इसमें शासन के पास विचाराधीन है, लोक सेवा आयोग का उसमें कोई रोल नहीं। जब तक शासन यस नहीं करेगा तब तक आपकी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होगी, ठीक है ना। और शासन ने रोक लगाई है इसका यह मतलब नहीं कि वो वेटिंग लिस्ट आएगी नहीं। माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय से पता चला है और वहाँ के अधिकारियों ने और मंत्री महोदया के ओएसडी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि शासन इस पर विचार कर रहा है, जितने पदों पर उचित होगा उतने पदों पर वेटिंग लिस्ट को जारी किया जाएगा। यूपी ट्रिपल एससी में आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि यूपी ट्रिपल एससी ने लोअर सबॉर्डिनेट के समस्त अधियाचन, जितने भी पदों के इनको अधियाचन प्राप्त हुए थे, क्योंकि 3-4 साल से वैकेंसी नहीं आई है, है ना, तो सारे पदों के अधियाचन जो है वो लोक सेवा आयोग को प्रेषित कर दिए हैं। ये इस बात की सूचना स्वयं लोक सेवा आयोग के सचिव महोदय ने स्पष्ट कर दी है, यहाँ अधियाचन प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। और शासन ने इस बात की सहमति भी दे दी है कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से जारी होना चाहिए विज्ञापन, किसका, लोअर सबॉर्डिनेट का, ठीक। तो ये तो तय है कि भैया लोअर सबॉर्डिनेट के विज्ञापन, जो अगला विज्ञापन आना है आपका मई जून में जो विज्ञापन आना है, वो विज्ञापन आप सभी लोगों का लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही जारी होगा, ठीक, प्री और मेंस के आधार पर होगा, साक्षात्कार इसमें समाप्त कर दिए गए हैं।
ठीक है ना, तो चिंता मुक्त हो जाइए। बात करते हैं यूपी ट्रिपलएससी की लेखपाल भर्ती परीक्षा का परिणाम, आप सभी लोगों का 20 अप्रैल तक आने वाला है, ठीक है, इसके संबंध में भी सूचना प्राप्त हो चुकी है। दूसरा, वीडियो और एग्ज़ाम को लेकर के विद्यार्थी परेशान है, तो देखिए कल की डेट में एक यूपी ट्रिपलएससी मीटिंग होने चल रही है और कुछ ना कुछ जाहिर बात है उसका परिणाम जरूर आएगा। ठीक, पदोन्नति के लिए लेखपाल का आज आप लोगों ने समाचार पत्रों में देखा होगा, लेखपाल के कुछ पदोन्नतियाँ हो रही हैं और जो आप लोगों को बताया गया था लगभग 10,500 पदों पर लेखपाल का एक नया विज्ञापन आएगा, तो जाहिर सी बात है वही चीज़ें उल्लिखित हैं, क्योंकि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों के लिए हमेशा ही सत्य और प्रमाणिक सूचनाएं लाने का कार्य करता है। हम अपने मन से खबरें नहीं बताते, हम आप सभी लोगों को वही खबरें बताते हैं जो कि अधिकारियों से वार्ता करने के उपरांत, शासन से वार्ता करने के उपरांत, जनप्रतिनिधियों से वार्ता करने के उपरांत, ज्ञापन आदि प्रस्तुत करने के बाद जो उनका आश्वासन होता है वही चीज़ें आप सभी लोगों को बताई जाती हैं। तो वीडियो और एग्ज़ाम वाले विद्यार्थियों तैयारियां करते रहिए, क्योंकि आप सभी लोगों के सामने टाइम बम फूटने वाला है, ठीक है ना, तैयारी करते रहिए। टाइम बम फूटने का मतलब ये नहीं कि पता लगे ब्लास्ट कर जाओ, ब्लास्ट करने की आवश्यकता नहीं है, उसे अंधकार में और उस धूल के गुबार में आप सभी लोगों को सूरज की एक किरण, एक मशाल लेकर के हाथों में दौड़नी है और सरपट अपने रास्ते की तरह भागना है। और जो विद्यार्थियों का पेपर सेपर गड़बड़ हो गया था उन विद्यार्थियों को जो है देसी घी के लड्डू टेढ़े मेढ़े भले, ये कहावत है, तो जाहिर सी बात है उनको गोल्डन अपॉर्चुनिटी फिर से मिली है कि वो अपनी गलतियों को सुधार सकें और बेहतरीन ढंग से तैयारियां कर सकें। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल की याचिकाओं में आप लोग पार्टिसिपेट करिए, जिस तरीके से आप देख रहे हैं BTC 2004 के मैटर में विद्यार्थियों को जीत मिली, 69,000 शिक्षक भर्ती के विद्यार्थियों को जीत मिली और वैसे ही आप लोगों को 72,825 में भी जीत मिलेगी, गारंटीड। आप सभी लोग जल्द से जल्द सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप नंबर 9741413085 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं, हमारी याचिका से जुड़ सकते हैं। TGT PGT 2016-2021 के विद्यार्थी जो चाहते हैं कि हम उनके लिए कुछ प्रयास करें, और ये चूँकि अब फाइनल ईयरिंग होने वाली है इसलिए जितने भी विद्यार्थी हैं वो अपना अपना डॉक्यूमेंट वगैरह फिर से सबमिट कर दें, सारी चीज़ें क्लियर कर लें, जो नए विद्यार्थी हमसे जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। याद रखें 9741413085 इस व्हाट्सएप नंबर पर। टेट सी टेट सुपर टेट TGT PGT LTGIC यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपी SSSC आदि के नोट्स को प्राप्त करना और उस नोट्स के माध्यम से बेहतरीन तैयारियां आप सभी लोगों की बेहतरीन सफलता में कन्वर्ट हो सकती हैं, इसलिए आप लोगों को सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 9741413085 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आप सभी लोगों को सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है आपके जूनियर भर्ती को लेकर के और एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती आप सभी लोगों की उम्मीद है कि जो सर्वेंद्र विक्रम सर ने कहा है कि हम 20 तारीख तक इसको मेधा सूची को जारी करेंगे, जाहिर सी बात है ऐसा नहीं कि प्रक्रिया आपकी डिले होगी, प्रक्रिया डिले नहीं होगी, आप लोगों की काउंसलिंग आदि की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है, काउंसलिंग कराने के बाद नियुक्तियां आप सभी लोगों को बाद में दी जा सकती हैं, लेकिन काउंसलिंग आपकी हो सकती है, ठीक है ना। तैयारियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और विषय वाइज सीटों का आवंटन भी हो चुका है, विषय वाइज उसकी मेरिट भी बनाई जा चुकी है, पूरा सब कुछ मामला क्लियर है और SCERT की तरफ से अनुमति लेने के लिए शिक्षा निदेशालय की तरफ से भी बेसिक शिक्षा सचिव ने भी शासन को पत्र लिखा है, बेसिक शिक्षा सचिव नहीं सचिव महोदय ने शासन को पत्र लिखा है कि इस भर्ती को कंप्लीट करने के लिए शासनादेश को जारी किया जाए, शासन से रिक्वेस्ट की गई कि निर्देश प्राप्त कराने हैं तो जो है निर्देश जारी किए जाएँ, तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को ज़्यादा वेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिस तरीके से आप लोगों को शासनादेश देखने के लिए मिला होगा, कुछ चीज़ें देखने के लिए मिली होंगी कि प्रमोशन में NCTE की अधिसूचना को मान्य नहीं किया जाएगा, ऐसी कोई चीज़ें नहीं है, NCTE की अधिसूचना पूरी तरीके से यहाँ पे मान्य है और कुछ विद्यार्थियों की समस्याएं थी कि शारीरिक शिक्षक और योग्य शिक्षक को नियुक्त करने के संबंध में क्या कार्रवाई चल रही है, तो जिस तरीके से कंप्यूटर साइंस को अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में अनिवार्य बनाने का कार्य योगी सरकार कर रही है, उसी तरीके से योग शिक्षक और शारीरिक शिक्षक को प्राथमिक स्तर से लेकर के माध्यमिक स्तर पे भी उसको लागू करने के संबंध में कार्य हो रहा है, ठीक है ना। BEd बेरोजगारों को सरकार मानदेय देने पर विचार कर रही है कि जितने भी BEd बेरोजगार हैं उन सभी विद्यार्थियों को कुछ मानदेय दिया जाए ताकि उनका स्टडी वगैरह चलती रहे, फार्म वॉर्म अप्लाई कर पाया करें, है ना। तो ये प्रक्रियाएं आप सभी लोगों की चल रही हैं और आयोग आप सभी लोगों का ज़्यादा डिले होने वाला नहीं है,
पॉजिटिव वे में तैयारियां करेंगे तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप लोगों को साथ देगा। और सबसे बड़ी चीज़ यह है, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो, बहुत बड़ी शिकायत है आप सभी लोगों की, ठीक है ना। आप लोग इस शिकायत को दूर करिए और अपनी वीडियो, इस वीडियो को अवश्य ही शेयर किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। धन्यवाद, आप सभी के दिन शुभ हो।